बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर साइंस टीचर ऑफ क्लास टू। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर एट। यूनिट नंबर सिक्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। नाउ पेज नंबर 33 + 34। आज हम करेंगे इसकी रीडिंग भी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी। सबसे पहले मैं आप लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाती हूँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर वन, फ्रूट मीन फल। द सेकेंड वन इज सीड मीन बीज। द थर्ड वन इज ड्राई मीन खुश्क। द फोर्थ वन इज वॉलनट मीन अखरोट। द फिफ्थ वन इज एलमंड मीन बादाम। द सिक्स्थ वन इज प्लम मीन आलूचा। द सेवन्थ वन इज इनसाइड मीन अंदर। द एट्थ वन इज मैनी मीन कई। द नाइन्थ वन इज वाटरमेलन मीन तरबूज। द टेंथ वन इज पपाया मीन पपीता। ये भी एक फ्रूट का नाम है। नाउ ऑन पेज नंबर 33, यूनिट सिक्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में और सीड्स के बारे में। फ्रूट्स मीन फल और सीड मीन बीज। अ फ्रूट इज मेड फ्रॉम अ फ्लावर। एक फ्रूट जो है वो सबसे पहले किस चीज़ से बढ़ता है, किस चीज़ से बना होता है? फ्लावर से ही हमारे पास फ्रूट्स बनते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 34। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में कि फ्रूट्स क्या है और सीड्स क्या है। फ्रूट्स मीन फल। अ फ्रूट इज मेड फ्रॉम अ फ्लावर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रूट किस चीज़ से बना होता है। फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। अगर फ्लावर ना होता तो फ्रूट भी हमारे पास ना होता। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। हमारे पास बहुत से किस्मों के फ्रूट्स है, फल है। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी। कुछ फ्रूट जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नरम होते हैं एंड जूसी और जूसेस लाइक होते हैं, उनमें जूस ज़्यादा मौजूद होता है। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज माल्टा, वो भी सॉफ्ट होता है और उसमें जूस होता है। मैंगो, आम, उसमें भी हमारे पास जूस ज़्यादातर होता है और सॉफ्ट होता है। एंड प्लम और आलूचा भी इसी तरह सॉफ्ट होता है। सम फ्रूट्स आर ड्राई एंड हार्ड। कुछ फ्रूट्स हमारे पास ड्राई होते हैं, यानी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमारे पास है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उनका जो ऊपर वाला कवर होता है, शेल होता है, वो बहुत ही सख्त होता है। जिस तरह के वॉलनट मीन अखरोट, पीनट मीन मूंगफली, ये ड्राई फ्रूट है और ये हार्ड होते हैं। एलमंड बादाम। सीड्स आर मेड इनसाइड फ्रूट्स। और फिर सीड्स कहाँ बनते हैं? सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर बनते हैं। पहले फ्लावर होता है, फ्लावर से हमारे पास क्या निकलते हैं? फ्रूट निकलते हैं। और फिर फ्रूट के अंदर इनसाइड उसके अंदर हमारे पास बीज होते हैं, उनके अंदर हमारे पास सीड्स होते हैं। जिस तरह की आप एप्पल अगर काटे, उनके दरमियान जो ब्राउन कलर के जो दाने होते हैं, ये भी इसका सीड्स होता है। सम फ्रूट्स हैव अ फ्यू सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें कुछ फ्यू सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत से सीड्स होते हैं। जिस तरह कि आप वाटरमेलन में देखते हैं,
ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के ये भी इसके सीड्स हैं, और एप्पल में भी देख सकते हैं। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक ही सीड होता है, फॉर एग्जांपल मैंगो, यानी इसका एक ही हड्डी होता है जो कि हमारे पास सीड्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। Some fruits have a few seeds, some fruits have only one seeds, and some fruits have many seeds. और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके कई सीड्स होते हैं, जैसे कि पपाया यानी पपीता में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी रीडिंग थी पेज नंबर 34 की, ये कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोग से मिलूंगी और इंशाल्लाह अगला काम करवाऊंगी। ओके।